नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में विषय आधारित शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को धोरीमन्ना ब्लॉक के भगवान जम्भेश्वर महाविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब खारोड़ी व भगवान जम्भेश्वर महाविद्यालय के सहयोग से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नेहरू युवा केंद्र बाड़मेर युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में विषय आधारित शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को धोरीमन्ना ब्लॉक के भगवान जम्भेश्वर महाविद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब खारोड़ी व भगवान जम्भेश्वर महाविद्यालय के सहयोग से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कानराज पुनिया ने किसी भी समाज और राष्ट्र की अक्षुण संपदा और उस समाज और राष्ट्र की युवा पीढ़ी को बताया। उन्होंने युवाओं की सकारात्मक सोच और कार्य से ही राष्ट्र की स्मृति की बात कही। कार्यक्रम अध्यक्ष जिला युवा समन्वयक सचिन पाटोदिया ने युवाओं को कल का भविष्य बताया। साथ ही उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, हिंसा, अपराध, दुराचार जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने में युवाओं की महती भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुझे एक बात बताइए, बाल विवाह से क्या गलत प्रभाव पड़ता है? पहला गलत प्रभाव यह पड़ता है कि लड़की बहुत छोटी होती है, लड़का बहुत छोटा होता है, शारीरिक रूप से वो मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते। कॉलेज निदेशक किशनलाल बादू ने युवाओं की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने का मंत्र दिया। रामचंद्र दुबे ने कैन कंपनी की योजना व रोजगार के बारे में अवगत करवाया। कार्यक्रम को कॉलेज सचिव मांगाराम भादू, जेपी फौजी, गोविंद भास्कर, हेमंत शर्मा, नारंगी जोगाराम व ललित सऊ ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज प्राचार्य मनीष खत्री ने किया।